नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में आमने सामने का मुकाबला इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच आपको देखने को मिलेगा। एक ओर इंडिया अलायंस में 28 दल हैं तो दूसरी ओर एनडीए में, जिसका अगुवाई फिलहाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, 24 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगी, उसमें 38 दल हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या 2024 के चुनावी मैदान में विपक्ष की ओर से पीएम फेस होंगे, क्या नीतीश कुमार को विपक्ष प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाएगा, क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो विपक्ष की ओर से देश के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार के रूप में पेश किए जाएं। लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार जो बड़ी बैठक आज कर रहे थे, उस बैठक में पहुंचे नेताओं ने भी ये कहा है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आपको मालूम है तेजस्वी यादव ने बिहार में 2 दिनों तक अपने नेताओं के साथ बैठक किया है, पहले उत्तर बिहार फिर दक्षिण बिहार, तमाम अलग अलग जगहों से नेताओं के पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने सबके साथ बैठकर रणनीति बनाई है 2024 को लेकर। लेकिन आज नीतीश कुमार ने बैठक किया है पूरे बिहार भर के, पूरे सूबे के अपने जेडीयू के नेताओं के साथ, प्रखंड अध्यक्षों के साथ। जरा सोचिए, 243 विधानसभा है बिहार में और 243 विधानसभा के 534 प्रखंड अध्यक्षों के साथ नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल की बैठक की है, तो इस बैठक में आखिरकार रणनीति क्या बनी है? 2 दिनों पहले खबर है कि 2 दिनों पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बैठक में कहा था अपने नेताओं को कि नीतीश कुमार दावेदार हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने एक कुशल राजनेता के रूप में अपनी अमिट पहचान बनाई है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा बार जो है वो मुख्यमंत्री बनने का खिताब अपने नाम कर चुके हैं और देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नेता के रूप में नीतीश कुमार की पहचान है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर क्या होगा? तो देखिए, 534 प्रखंड अध्यक्षों को बुलाकर नीतीश कुमार ने 24 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। और इससे पहले आपको मालूम है, जब G20 की बैठक चल रही थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, राष्ट्रपति के आमंत्रण पर जब नीतीश डिनर पार्टी में पहुंचे थे, तो कई तरह की चर्चाएं बिहार में हो रही है। लेकिन आज बिहार के जो लोग इस वक्त देख रहे हैं टुडे बिहार न्यूज पर, आज ये सवाल उनसे भी है कि क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, क्या नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाना चाहिए। तो चलिए, आपका जवाब आएगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए क्या कुछ किया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में फिलहाल विधायकों की हैसियत से 3रे नंबर की पार्टी है और नीतीश कुमार सहित जेडीयू के नेता साफ तौर पर खुल्लम खुल्ला ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए, उनके छवि को कम करने के लिए बीजेपी ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है चिराग पासवान को मैदान में उतार दिया। तो भले नीतीश कुमार 43 विधायकों के नेता बन गए 2020 में, लेकिन अभी फिलहाल बिहार के सबसे बड़े गठबंधन के वो नेता हैं, बिहार के सबसे बड़े गठबंधन के वो मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं महागठबंधन की ओर से। तो नीतीश कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर? तो देखिए, जब देश में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने पूरे देश भर के नेताओं से मिलकर के एक बड़ी रणनीति बनाई। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव घूम रहे थे, देश के हर एक राज्यों में जाकर नीतीश कुमार ने वहां के नेताओं को एक किया और
एक गठबंधन बना और इस गठबंधन का सूत्रधार कहीं ना कहीं आप जरूर कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं। तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अदा की है बीजेपी को पटखनी देने वाले गठबंधन को तैयार करने के लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से पीएम का फेस कौन होगा? तो देखिए, राहुल गांधी को लेकर भी ये कहा जाता है कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए इंडिया के ओर से वो पीएम के फेस हो सकते हैं। तो दूसरी ओर जेडीयू ये कह रही है कि नीतीश कुमार में कौन सी कमी है। अब रार होगा तो होगा। देखिए, आपको याद होगा 2013-2014 में लोकसभा का चुनाव था और 2013 में इस बात का ऐलान हो गया कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब नीतीश कुमार ने तब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सवाल खड़ा करते हुए साथ छोड़ दिया था बीजेपी का और वो महागठबंधन के साथ चले गए 15 में। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ अकेले मैदान में उतर गए। तो नीतीश कुमार को इस बात को लेकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि इच्छा जरूर रही है, वो जताते नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि उनकी भी इच्छा रही है। कौन नहीं चाहता है? लेकिन अगर आप नीतीश कुमार के राजनीतिक काबिलियत की बात करेंगे तो नीतीश कुमार में वो हर गुण है जो एक देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बनने के लिए एक नेता में होनी चाहिए। बहरहाल, अब बैठक तो हुई है, रणनीति बनी है, आगे क्या होता है ये लगातार हम आपको एक एक जानकारियां देते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।